है क्या भाई, ये है क्या? चाहता है इसको चाहता। गाइस देख सकते हो, ये बंदा जितना आपको मासूम लगता है उतना है नहीं। क्या पूजा बंदा का देख सकते हो आप लोग। हे गाइस, तो वेलकम बैक टू द आवर चैनल, इट्स मी डेविड बैक इन विद मी ब्लॉग। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ फोटो शूट पे, एंड आप लोग को भी दिखाऊंगा वहाँ का लोकेशन चल के। तो बिना देर किए चलो चलते हैं। गाइस मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, डेविड आ चुका है मेरे घर पे, मैं रंजन झा। तो अब निकलते हैं यहाँ से, तो चलिए देखते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ये वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पड़ता है, एक तरह से इसे आप प्लांट बोल सकते हैं। तो ये रहा डेविड साथ में, आज मैं इसके साथ आया हूँ ब्लॉग पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन कितना मस्त है, कुछ अलग दिख रहा होगा आपको। गाइस चलो आपको आगे दिखाते हैं कुछ। एंड गाइस ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे मतलब फोटोशूट वीडियो शूट ज़्यादा होता है, मतलब पूरे दिन रहता है। अभी धूप इसलिए कोई है नहीं, शाम होता या मॉर्निंग का टाइम होता तो यहाँ पे फोटोशूट वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड हम लोग भी फ़ोटोशूट करेंगे। एंड आप लोग देख सकते हो पीछे में अभी काम चल ही रहा है, एंड शुरू में जो है ना थोड़ा बन गया है, एंड पीछे में इधर पूरा काम चल रहा है। तो अभी हर साइड जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड ये बहुत पार्क देख सकते हैं, पार्क दिखाओ, पार्क वहाँ पे पार्क बन रहा है, एंड वहाँ भी जाके दिखाऊंगा आप लोग को। गाइस ये 2-3 किलोमीटर में बन रहा है, बहुत ज़्यादा दूर में ये, मतलब और बहुत ही अच्छा प्लेस है, बन रहा है। तो आप लोग को आगे चल के दिखाता हूँ। गाइज ये मतलब प्लांट ये घोड़ा और बकरी के बीच में है, घोड़ा से 1 किलोमीटर आगे होगा। एंड ये रहा यहाँ का ऑफिस है, ये वाला ऑफिस है इस प्लांट का। एंड आप लोग देख सकते हो अभी रंजन और रोहित भैया अभी फ़ोटो शूट कर रहे हैं, फ़ोन से फ़ोटो शूट कर रहे हैं। क्या करेंगे, हम गरीब है, कैमरा नहीं हमारे पास है, तो फ़ोन से ही फ़ोटो शूट करते हैं हम लोग। देखो गाइस यही हो रहा है फ़ोटो शूट, रंजन राइडर रंजन जा फोटो क्लिक कर रहे हैं, रोहित जा फोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये दोनों भाई हैं, एंड ये मेरा मौसी का लड़का है। तो हम लोग हमेशा साथ में ही रहते हैं, साथ में घूमते हैं, हर जगह साथ में ही जाते हैं। मुझे चलो आप कुछ को बोलना था, वो जो डेविड है अब उसे पता नहीं क्या क्या होगा, वीडियो बनाने से टाइमिंग ब्लॉग बनाने से, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो बंदा जो है मेहनत बहुत ज़्यादा करता है। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है सच में, इधर उधर बारिश में भी निकल जाता है बंदा, मतलब आप लोगों के लिए। तो ये आप देखो डेविड को, यार गरीब बंदे हैं, गरीब बंदे, गरीब ब्राह्मण, देख रहे फ़ोन से फ़ोटो शूट हो रहा है, वही फूटा हुआ फ़ोन है भाई, तो आप लोग समझ सकते हो। गाइस क्या कर सकते हैं, बड़े सपने का शुरुआत छोटे से ही होता है, तो फोन से ही अभी शूट कर रहा है, कैमरा भी आएगा कभी। बंद कर दो क्लिप। तो चलो आपको कुछ दिखाते हैं हम। ये जनरेटर है, आप लोग गाने में सुने होंगे आप लोगों ने, ये जनरेटर है, इसमें से पानी निकलता है और खेत में आता है पानी। तो आप जनरेटर देख सकते हो, पानी पानी, ये रहा, ये देखो ये यहाँ से पानी निकलता है ये। तो ओके गाइस देख सकते हो अभी सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, ये सब लाइटिंग वाला है, एंड सामने पार्क है। कल परसों भी बारिश हुआ था यहाँ पे, तो सबका पानी अभी जमा ही हुआ है। एंड यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक पूरा रोड बनने वाला है, तो इसका ये पत्थर देख सकते हो आप लोग,
एंड ये पार्क है। पार्क का काम तो लगभग लगभग पूरा हो गया है, बट उसमें जाना अभी अलाउड नहीं है, तो मैं आप लोग को बाहर से दिखा देता हूँ। गाइस यही है पार्क, पार्क के काम लगभग लगभग पूरा हो चुका है, बट अभी अलाउड नहीं है अंदर जाने का। गेट भी बंद है, देख सकते हो आप लोग, छोटा ही है बट अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। गाइस यहाँ पानी बहुत है, चलना भी मुश्किल है, क्योंकि आज तो पूरे दिन बारिश नहीं हुई है, कल आए परसों तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पे, तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा जम गया है। गाइस ये फ़ोटोशूट के लिए तो सबसे बेस्ट लोकेशन आई थिंक मेरे डिस्ट्रिक्ट का, बिकॉज यहाँ पे हमेशा 10-15 बंदे रहते ही हैं फ़ोटोशूट के लिए एंड वीडियो शूट के लिए। टिकटॉक लाइक के साथ तो शूट होता था, बट अब वो बैंड हो चुका है तो ज़्यादा लड़के लोग आते नहीं हैं शूट करने, बट फोटो शूट करने वाला अभी भी बहुत ज़्यादा आता है। ये आप लोग जितना देख रहे हो पूरा पीछे तक, मतलब यहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर पीछे तक है, बहुत ही लंबा चौड़ा है, आप लोग देख सकते हो। मैं बीच में अभी खड़ा हूँ, आप पीछे में देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा है। गेट के स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। गाइस देख सकते हो ये बंदा जितना आपको मासूम लगता है उतना है नहीं, इज वेरी बोरिंग बॉय। ऐसे ही सामने से आपको कुछ नहीं बोलेगा लेकिन बोर कर देगा आप लोग। तो क्या बोलते हो आप लोग? नहीं नहीं बोलो, देखिए देख सकते हो क्या पागलपंती आप लोग देख सकते हो। पीछे में रोहित भैया, रोहित भैया क्या हो रहा है भैया जी? गाइज हम लोग जब भी साथ में होते हैं, एक साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे रोहित भैया रहते हैं सूरत, जब भी गांव में आते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, ऐसे ही घूमते हैं। बट अभी तो 2-2.5 महीना बाद ही आया हूँ घूमने, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से, आप लोग को बताया था कि लॉकडाउन की वजह से घर से निकलना मुश्किल था, इसलिए 2-3 महीना बाद आया हूँ यहाँ पर घूमने एंड फ़ोटो शूट पर भी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी। लोकेशन यहाँ का तो बहुत मस्त है एंड अभी तो काम चल ही रहा है, एंड पूरा काम जब ख़त्म हो जाएगा तो उसका नज़ारा तो कुछ और ही होगा गाइस। तो आप लोग अगर बिहार से हो तो यहाँ आके ज़रूर घूमना। देखो डेविड फोटोशूट कर रहा है, उसका पोज देख सकते हो आप, ये रहा देख सकते हो। थोड़े बहुत मस्ती के साथ फोटोशूट भी हो रहा है और ब्लॉग भी बन रहा है, तो क्या कहना चाहते हो आप भाई? एंड गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इसका आईडी बता रंजन जा 10x, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा एंड मैं अपना भी लिंक डालूंगा devdex49, आप लोग जाके फॉलो कर लेना। ये सो गाइज फाइनली मेरी शूट हो गई खत्म एंड अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे। तो गाइज ये देख सकते हैं बाढ़ का सीन, पीछे में ये गेट देख सकता हूँ, बहुत ही खूबसूरत गेट लगा है। एंड गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं, अब मेरा शूट हो गया खत्म। गाइज अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो जैसे सपोर्ट कर रहे हो अभी आप लोग, आप लोग के सपोर्ट का बहुत नीड है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।